आज कुछ सस्ता अच्छा रोल पराठा हो जाए, ये है न्यू कराची में मिलने वाला कुरैशी रोल पॉइंट। यहाँ का माहौल इतना कोई बेहतरीन था कि एक तरफ गर्मा गर्म पराठे लगे हुए, दूसरी तरफ तकरीबन काउंटर पर 40 से 50 रोल बन रहे हैं। वैसे तो रोल पराठा कराची में कई जगह मिल रहा है, बट यहाँ के रोल पराठे की खास बात यह है कि इसकी कीमत इंतहाई मुनासिब है। सिर्फ 25 रुपए का रोल पराठा आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इसके टेस्ट के बारे में यहाँ पर लोगों का कहना है, बहुत मजे का, बहुत लज बनाते हैं ये भाई चश्मे वाले। तो राहुल जी, खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपका भाई अरसलान कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हो भाई। आज जो है ना वो बड़ा ही कोई हसाती दिन था। हसाती इसलिए भाई कि हम जा कहीं और रहे थे और पहुंच कहीं और गए, यहाँ से गुजर रहे थे किसी और जगह के लिए, बट रस्ते में देखा भाई बेन था, रश लगा हुआ यहाँ पर, और रुक के जब चेक किया तो भाई यहाँ पर कोई रोल वगैरह मिल रहे थे। अंदर जाके थोड़ा सा मॉल वगैरह चेक करा भाई से ज़्यादा लिया, और फिर हमने सोचा भाई व्लॉग बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते। तो भाई अंदर जाते पहले चेकते भाई रोल वगैरह मिल रहे हैं बड़े VIP से, रश जितना लगा हुआ है तो उम्मीद है कि भाई काफ़ी सस्ता और अच्छा टेस्ट होगा। तो चेक करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम भाई, सबसे पहले तो जरा लोकेशन बताएं अपनी, आप किस लोकेशन पे हो, कौन सा मुकाम है ये? भाई मेन काला स्कूल सेक्टर 5D। मेन काला स्कूल जी। कौन कौन सा रोल कौन कौन सा होता है भाई, सबसे पहले बताएं। हमारे पास शामी कबाब होता है, चपली कबाब होता है, चिकन बोटी होता है, और कलेजी होता है। अच्छा, कलेजी मेरे ख्याल से खत्म भी हो गई ना एक शायद, कलेजी एंड चल रहा है। तो टाइमिंग क्या होती है यार ये बताएं पहले? टाइमिंग है 5 बजे से रात को 2 बजे तक। 5 बजे से रात को 2 बजे तक कोई ऑफ नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। कोई ऑफ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और अगर माल खत्म हो जाता है दोबारा आ जाता है फिर? हाँ जी। अच्छा, तो अभी क्या क्या है इस वक्त? कलेजी के अलावा कौन कौन सी? शामी कबाब है, और क्या क्या है? चिकन बोटी है, शामी कबाब है, चपली कबाब है, कलेजी भी है, मतलब एंड पे। अच्छा, एंड पर है, अभी खत्म होने वाली है। माशाल्लाह आज हफ्ता है तो रश हो रहा है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप वर्किंग डे में भी आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रश मिलेगा। वर्किंग डे में माशाल्लाह रश मिलेगा, मसला नहीं है ये। जबरदस्त। तो ये बताएंगे क्या प्राइस क्या है, कितने कितने का रोल है? शामी कबाब 30 रुपए का एक है और 50 रुपए के दो है। ठीक हो गया। और ये कितने पार्सल गए अभी? ये 8 रोल गए, मतलब लगे हुए रोल, ऑर्डर ही ऑर्डर लगे हुए भाई माशाल्लाह। और कितना पुराना स्पॉट है ये? 10 साल हो गए। 10 साल पुराने, मतलब आप ही चला रहे हैं और वाले सब वगैरह कोई? नहीं नहीं, भाई भाई चलाते हैं। अच्छा, भाई भाई मिलके चला रहे हैं। चले जबरदस्त भाई। तो अच्छा, कौन सा रोल है जो आप हमें रेकमेंड करेंगे कि भाई ये वाला रोल ट्राई करो, हमारा सबसे अच्छा रोल? भाई साहब सारे रोल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सारे रोल माशाल्लाह जबरदस्त है, जबरदस्त है। चले भाई बेहतरीन हो गया। चले यार भाई, अब जरा बड़ी तारीफें कर दी इन्होंने तो जरा, और माशाल्लाह रश भी लोगों का, आवाम का आपको नजर आ रहा है, तो भाई जरा भी ये बनाएंगे। अच्छा, हम गा के बताएंगे? नहीं, आवाम तो खड़ी है ना, आवाम का रश बता रहे हैं, माशाल्लाह रोल अच्छा ही होगा रहेगा हमारा। हाँ, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? रात में किस चीज की लाइन में लगे हुए यहाँ पे आप? यार ये क्या कहते हैं, कबाब पराठा लेने आए। कबाब पराठा लेने आए? तो आते रहते हो आप यहाँ पे खाने? अक्सर आता रहता है। कैसा होता है रोल? कैसा रोल वगैरह पराठा? बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। तो वैसे आप कितने अरसे से माशाल्लाह खा रहे हैं ये? ज्यादा अरसे से नहीं, अभी कुछ महीनों से मैंने लेना शुरू किया है। लेकिन आपको पसंद आ रहा है, जायका पसंद आ रहा है? जब भी तो आ रहे हैं लेने। हाँ, पसंद आ रहा है जब भी आ रहे हैं, और मुनासिब पैसों में। मुनासिब पैसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम भाई, निवाले के बीच में मैंने सलाम कर लिया। तो लग रहा है बड़े रोल के आप शौकीन हो यहाँ के। कैसा लगता है यहाँ का रोल पर? अच्छा लगता है, जब भी खा रहे हैं। तो आप यहीं के रहिए वैसे? जी जी, दिगा मोड़। अच्छा, यहीं रहते हैं। तो कैसे, कौन सा रोल ज्यादा ट्राई करते हो आप यहाँ का? ये शामी कबाब रोल पसंद है। वैसे तो आप इलाके में काफी और भी जगह है, लेकिन यहाँ पर आकर खा रहे हो, कोई खास बात? यार अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है, जबरदस्त टेस्ट है जी। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पार्सल करा लिया भाई। हाँ, बहुत मजे का, बहुत लज बनाते हैं ये भाई चश्मे वाले। तो ये उधम बनाते हैं कि कोई भी नहीं बनाता भैया। हाँ भैया भैया, तुम भी खा के देखो, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, जबरदस्त भैया। इधर शक्ल दिखाओ कैसा बनाते भैया, अंगूठा भी काट लिया था ना छुरी में जल्दी में। हाँ नहीं कबाब रो, हाँ जल्दी में, बहुत तेज काम करता भैया ये। हाँ बहुत मजे का, बहुत मजे का, लज हो गया मेरे यार। चले भाई, तो देखिए हमने भी भाई को बोल दिया था, तो हमारा हो गया भाई, दोनों रोल बन गए हमारे। अजी चटनी कौन सी होती है ये वाली चटनी आपकी? मिर्चों वाली ही रायता है। चले भाई, ये रोल हमारे दोनों तैयार हो गए हैं, तो आप खाते हैं और फिर आपको रिव्यू करके बताते हैं। अच्छा भाई, जैसा रस था ना
वैसे इसकी प्राइस है तो ये दो रोल मिल रहे हैं भाई 50 रुपये के अंदर, और 50 रुपये में आप इसमें एक पराठा भी अमूमन जो है ना उसका 30-40 रुपये का है, तो दो पराठे उसमें जो है वो कबाब। चेक करते हैं बहरहाल कि क्या इसका सीन है, ये चेक करें भाई। पहले तो रोल के अंदर देखते हैं, तो ये दाल का कबाब है, प्रॉपर क्वांटिटी सही है, प्याज वगैरह भी अच्छी क्वांटिटी में डली हुई है, और अब ज़रा बाइट लेते हैं इसकी प्रॉपर। पराठा काफ़ी सॉफ्ट है चटनी के साथ और रायते के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी में थोड़ी सी मिर्चें हैं बट ये कि बैलेंस है, जो अमूमन रोल वगैरह होते हैं वो तो थोड़े स्पाइसी चलते हैं, बट रायता जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जितनी महंगाई भाई इस वक्त चल रही है उसके हिसाब से 50 रुपये मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, और ये दो रोल ऐसे हैं कि अगर एक आम बंदा खाएगा तो उसका पेट प्रॉपर भर जाएगा, और जो एरिया है इलाका है बहुत आसान है। मेन जो है काला स्कूल न्यू कराची सेक्टर 5D मेन, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी जो वैरायटी है उसी क्वांटिटी और प्राइजेस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल इसको जो है वो सिर्फ रायते के साथ चेक कर दूँगी, मुझे रायता इनका जो है वो काफ़ी पसंद आया, तो रायता मैंने फुल लोडेड कर लिया है। रायता काफ़ी अच्छा है, और मेन चीज़ है कबाब। रोल मेरे तकरीबन हाफ एंड होने वाला है, बट कबाब का टेस्ट जो है ना वो प्रॉपर बैलेंस है, और बस ये है कि सस्ता है, अच्छा है, और पेट भरेगा। बहुत ज़्यादा कोई आप कहेंगे खाने के बाद आवाज़ आ ओहो मज़ा आ गया, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हम गुजर रहे थे यहाँ से, काफ़ी रश देगा तो हमने कहा भाई चेक कर लेते हैं। बहरहाल भाई कोई और इस तरीके के फूड स्पॉट्स हो तो आप लाजमी बताइएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को भी लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे फिर।